जैसे मैंने बोला कि भारत में 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है, शुगर बढ़ी हुई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लोगों ने मिला दिया है, एक समझे उसकी परछाई है। लेकिन पहले आप बता तो लगाई तो वो परछाई को छोड़ दिया उन्होंने इस बैठे, अब परछाई देखेगी उसके अंदर तो शुगर तो बन रही है, तो फिर डायबिटीज कैसे बोलेंगे, उसको नहीं बोल सकते आप उसको। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे, मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आपने ये तो सुना होगा कि कोई डायबिटीज पेशेंट है जो कि काफी सालों से इंसुलिन ले रहा है, अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कि कई सालों से दवाइयां तो ले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि सर अब हम ठीक हो सकते हैं, एक नई उम्मीद हमें मिल रही है। तो यहाँ पर आज हमारे साथ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरपर्सन डॉक्टर और जाने माने साइंटिस्ट एस कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, अभी एक पेशेंट हमारे साथ है, यहाँ पे मौजूद है, इनसे रूबरू होंगे, इनकी रिपोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये पेशेंट जो है इनका पहला रिपोर्ट क्या था और अब रिपोर्ट क्या है। देखिए ये जो पेशेंट, इनका नाम है करण सहानी जी। जी, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर से आए हुए हैं। अच्छा। और इनको शायद YouTube के माध्यम से पता लगा कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है। अब उस समय ये एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे जो इनका कहना था, और उस समय उनका HbA1c 7.9 है, जबकि वो दवाइयाँ ले रहे थे। और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थे जो हमने इनके पहली बार निकलवाए थे, जो शायद इन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। ये 15-10 को आए थे हमारे पास, उस समय इनकी शुगर 143 और 256 थी। उसके बाद में 11वें महीने में आए जिसमें 105 और 144 आई, उसके बाद में फिर 9-12 को आए, इसमें 103 127 थी। क्रमशः शुगर कम आ रही है और आज जो इनका रिपोर्ट है ये देखिए 79 और 115 आया हुआ है। जी जी, ये अपने आप में एक मिसाल है कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में शुगर जड़ से खत्म हो सकती है। और हाथ कंगन को आरसी क्या आपके सामने पेशेंट आपके सामने, तो आप उनसे बात करें, क्योंकि आपका हमेशा एक ब्लेम होता है डॉक्टर कुमार के ऊपर या प्रोफेसर डाक्टर भी के, कि पेशेंट कहाँ है अच्छे हुए कहाँ है ढूंढिए। तो मैं आपकी जो टीम आई है हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, सच के ऊपर आपका बहुत दबाव रहता है, तो मानो या ना मानो पेशेंट आपके सामने है, आप खुद बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका परिचय तो जैसे सर दे ही चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी कि आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम करण सहानी है, मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी, मैं यूट्यूब से माध्यम से मतलब डॉक्टर साहब के बारे में देखा था। अच्छा, पहले दवा मैंने अपने यहाँ से लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था उससे, मतलब फायदा हो रहा था लेकिन शरीर में मतलब कुछ अलग टाइप का अनुभव हो रहा था, लेकिन अब जो दवा मिली है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब थोड़ा शरीर में एनर्जी और ताकत आ रही है। जी। तो यहाँ पर आपको कितने सालों से थे ब्रो? मैडम यहाँ मैं दवा केवल चौथा महीना इस बार है मेरा। चौथे महीने में ही इतना इम्प्रूवमेंट आप में दिख रहा है। अच्छा, तो सर आप डाइट क्या प्रोवाइड करते थे इनको, कैसे ट्रीटमेंट देते थे चार महीने में? देखिए मैंने बेसिकली मेरे जो वीडियोज है उसमें बहुत प्रखर रूप में मेरे जो वाक्य हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। तो उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स जो मौखिक रूप से हम जो लेते हैं, प्रमुख रूप से जो है 8 रिपोर्ट्स जो हम लोग निकलवाते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील शुगर और HbA1c के अलावा आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी मात्रा में बन रही है जिसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोलते हैं, आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितना है, आपके बॉडी के अंदर होमा आया जिसके अंदर आपके पेंक्रियास के बीटा सेल्स की क्वांटिटी क्या है और उसकी कार्य क्षमता सेंसिटिविटी कितनी है। तो जनरली भारत के सभी पेशों में ये सही पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल फील्ड फास्टिंग और पोस्ट मील ये दो को मुद्दा बना के इनको ट्रीटमेंट देती है एलोपैथी की, तो लेकिन ये चूंकि बीमारी है ही नहीं
तो इसको ट्रीटमेंट किस चीज की चाहिए? इनकी जो प्रॉब्लम है ये, इसको बोलते हैं दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा। मुझे बताइए, अगर बरसात में पानी गिर रहा है जी, क्या आप उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही शरीर के अंदर जो आपकी शर्करा बन रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर आपके बॉडी में शर्करा नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। कि बॉडी को जिंदा रहना, आपको रहना नहीं रहना, बॉडी को तो जिंदा रहना है। तो ऐसे अवस्था में शुगर बनना तो हमारे बॉडी का वो उसका मुख्य कारण है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऊपर का जो बरसात गिरती है, अगर जमा हो जाए तो वहां पे भगवान कुछ नहीं करेगा, इंसान को करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि जहां पे एग्जिट पॉइंट है वहां पे थोड़ा सा एक लकड़ी लेके कचरा निकालेगा और पानी फट से निकल जाएगा। ऐसा ही शरीर में जो आपकी शर्करा बन रही है उसका एग्जिट जो पॉइंट है आने के लिए, उसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं, ब्लॉक है। उसको वैसे ही अगर हम खोल दें तो शुगर अगर सेलुलर लेवल पे चली जाएगी। अब ये जो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, उसका कारण ये है कि शुगर की जो मात्रा है ब्लड से निकल के सेलुलर लेवल पे पहुंच गई है, वहां पे वो बर्न हो रही है, उसको एनर्जी मिल रही है, तो उसको अभी अच्छा लग रहा है कि शुगर बाहर कम हो रही है। बिल्कुल। तो वो जो एग्जिट पॉइंट है उसके ऊपर किसी भी लोगों का ध्यान नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर चीज का, जब टीवी ठीक हो सकती है तो डायबिटीज भी ठीक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी विचार शैली है, आपका सोचने का ढंग है, वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए। सर ये बहुत बड़ी बात बोली है कि आपके दृढ़ निश्चय पर सब कुछ जो है डिपेंड करता है। और साइंस ये बोलता है कि डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब बॉडी के अंदर सारी चीजें हैं, उसका जो एग्जिट पॉइंट जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर है उसको हम सेंसिटाइज करके ओपन करते हैं। और ये दावा नहीं है, साइंस है, इसको वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये सत्य है और सत्य को कभी आंच नहीं होती है। बिल्कुल। तो पेशेंट से मेरा सर एक सवाल है, जैसे सर बोल रहे हैं कि डायबिटीज भी ठीक हो सकती है, आप यहाँ आए, आपको जब पता चला, इससे पहले आपको, आप जितने भी मेडिसिन लेते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, तो उनका क्या कहना होता था आपके लिए? मैडम वो लोग यही कहते थे कि दवा लेते रहिए, ठीक नहीं होना ये। अच्छा। बस दवा लेते रहिए, दवा लेते रहिए और ये ठीक नहीं होना है, और कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, कंट्रोल भी है और मतलब पहले से बहुत अंतर है। तो ये पेशेंट की बात भी आप जैसे सुन ही रहे हैं कि यहाँ पर पहले बोला जा रहा था कि दवा लीजिए और आप जो है कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसा सर ने अभी बोला है कि ये ठीक होने वाली बीमारी मानी जाती है, ऐसा सर है? बीमारी नहीं है, माफ कीजिएगा, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। मैं जैसे मैंने बोला कि भारत में 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है, शुगर बढ़ी हुई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लोगों ने मिला दिया है, एक समझे उसकी परछाई है। लेकिन पहले आप पता तो लगाई, तो वो परछाई को छोड़ दिया उन्होंने इस वेले, अब परछाई देखेगी उसके अंदर तो शुगर तो बन रही है, तो फिर डायबिटीज कैसे बोलेंगे हम उसको? नहीं बोल सकते आप उसको। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा सहानी जी कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जी क्या मैसेज देंगे, जो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के लिए कहें, आपका अनुभव के हिसाब से जो भी रहा है, अप्रोप्रिएट डॉक्टर डायथेरेपी के बारे में या डॉक्टर एस कुमार जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं यही राय देना चाहता हूं कि मतलब डायबिटीज जरूर ठीक होगा, क्योंकि मेरा ठीक हो रहा है, इसलिए सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि डायबिटीज जरूर ठीक होगा। सर जरूर ठीक होगा। एक छोटा सा मैं अनुभव इस माध्यम से करना चाहूँगा। परसों मैं नागपुर के ओपीडी में था। अच्छा। एक बहुत सीनियर जज मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, वो दिल्ली से हैं। अच्छा। और जैसे ही मेरे पास में आए तो मैंने कहा सर ये तो आपको डायबिटीज नहीं है, तो बोले कैसे नहीं है, क्योंकि मैं बोले हम तो आप तो वो एविडेंस बेस पे चलते हैं, तो लेकिन मैं आपको रिपोर्ट के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे ये उनके पास तीन ही रिपोर्ट्स थे, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, और माने 21 साल से वो डायबिटिक पेशेंट थे, अभी तक है, और इंसुलिन ले रहे थे पिछले 15 साल से। कल उनका रिपोर्ट आया है और मैंने फ़ोन पर उनको बधाई दी कि जज साहब आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं, आपके रिपोर्ट बता रहे हैं। तो इतने खुश हुए कि बोले यार देखो, मैंने कहा जब एक अच्छा जज
ऐसा बोल सकता है तो दूसरे बड़े बहुत ही बड़े उम्दे पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, एक अच्छे उम्दे के जज के साथ एक होता है जो पूरे भारत को लोगों से बचाता है दूसरे से, और वो आदमी के साथ ऐसा हो रहा तो फिर एक आम आदमी की क्या बोल, एक आदमी क्या बोलेगा उसको, एक आदमी के साथ क्या हो रहा है। तो उनसे मैंने, उन्होंने खुद बोला यस ये केस ऐसा बनता है कि रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ लोगों का धीरे धीरे नजरिया बदलते जा रहा है, एक एक दूसरे से देख रहे हैं, पेशेंट अच्छे होते जा रहे हैं। और जैसा मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला कल सच का होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और सच के साथ जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा। ये तो सर ने जो है एक सटीक बात कही है कि सच के साथ जो चलेगा फतेह करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपकी शिकायत रहती है कि पेशेंट्स को हमें नहीं दिखाया जाता, पेशेंट्स के रिव्यूज़ हमारे पास नहीं आते हैं, पेशेंट्स कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, तो यहाँ पर जो पेशेंट खुद यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शायद सॉल्व कर दिया होगा। तो जो कमेंट्स करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए कि कौन से प्रश्न हैं जो अभी बचते हैं पूछने के लिए। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।